अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मैक्सी स्टाइल का फ्रॉक दिखा रही हूँ गोल नेक के साथ। ये देखिएगा, इसका भी फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है। ये राव सिल्क फैब्रिक में है, बिल्कुल फ्लेयर है इसका। ये पूरा एक शर्ट पीस था, लेकिन शर्ट पीस में ये पूरा फ्रॉक नहीं बन रहा था, इस वजह से फिर मैंने इसके साथ मैचिंग करके ये राव सिल्क जो रेड कलर का मैचिंग करके इसकी जस्ट बनाई है। और जो इस शर्ट में से कपड़ा बचा था उसके मैंने ये स्लीव इसके साथ अटैच की है। जो इसकी चेस्ट है वो फ्रंट और बैक सेम एक जैसी है। अब मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बताती हूँ। ये देखिएगा, ये इसकी चेस्ट है। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था, इसके ऊपर मैंने ये दो पिनटेक्स डाले हैं, एक एक पाँव के दोनों साइडों पर। और इसकी जो फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पर इसकी जो शर्ट की फिटिंग की प्लेट है ना, ये अंदर से ये मैंने 4-4 इंच के डालती हूँ। इसके साथ आपको बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आपकी कमर की जो फिटिंग है वो बड़ी खूबसूरत आ जाती है बगैर किसी बेल्ट लगाने के। और इधर से फ्रॉक जो है ना, इन प्लेटों की वजह से, ये देखिएगा जूम करके दिखाइएगा, तो ये इन प्लेटों की वजह से ना, ये आपका फ्रॉक यहाँ से कमर से उठा हुआ नहीं दिखता। ये प्लेट डाले गए हैं, ये जो सारा फ्रॉक है, फैब्रिक तो इसका काफ़ी थिक था, लेकिन फिर भी इसको अच्छी लुक देने के लिए इसके अंदर मैंने इनर लगाया है। ये देखिएगा, इनर लगाने से आपकी फ्रॉक की खूबसूरती में बड़ा इजाफा हो जाता है और बड़ी नीट आपकी ये स्टिचिंग लगती है। ये देखिएगा, ये इसका फुल फ्लेयर है शर्ट का। ये 2.5 मीटर कपड़ा था शर्ट का, लेकिन इसमें ये पूरा फ्रॉक नहीं बन रहा था। ये फ्रॉक का दामन है, दामन इसका बिल्कुल प्लेन है, कोई डिजाइनिंग नहीं है नीचे, सिंपल तरीके से इसको नीचे से फोल्ड किया गया है। फ्लेयर इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये इसकी चेस्ट है, चेस्ट की मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसका जो फ्रंट स्लिट है ना, ये ओपन है सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक का। ये देखिएगा, ये ऊपर से बगैर कोई चाक करवाने के मैंने इसकी सजावट के लिए मैंने इसको गोल्डन बटन लगा दिए, और बटन जो मैंने मैचिंग किए हैं, ये देखिएगा सेम टू सेम मैंने इस बॉर्डर के साथ गोल्डन के साथ ये मैचिंग किए हैं, जो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इस बॉर्डर के साथ मैंने ये बटन मैचिंग किए हैं। और जो इसका अंदर जो मैंने इसका इनर लगाया है, जो लाइनिंग लगाई है मैंने इसके अंदर, वो मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ कि वहाँ पे कोई जोड़ नहीं है। ये सिर्फ फ्रंट वाला जो है ना, इसका ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो ओपन है, और अंदर से ये देखिएगा, अंदर जो मैंने इसकी लाइनिंग लगाई है ना, वो मैंने प्लेन कटिंग की है। ये सिर्फ सजावट जो है ना इसकी ओपन की है, फ्रंट की ऊपर वाले कपड़े की है, अंदर वाले कपड़े को मैंने कट नहीं लगाया, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी मैंने पिनटेक्स डाले। ये देखिएगा, ये दरमियान वाला जो है वो किनारे वाला प्लेट डाला है, और ये साइड वाले जो एक एक पाँव की प्लेट डाले मैंने, ठीक है। उसके बाद बैक साइड पे भी मैंने ये फिटिंग वाले प्लेट लगाए हैं। ये इसकी बैक साइड सेम टू सेम फ्रंट की तरह, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी बाजुओं की डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। ये जो इसकी नीचे वाली शर्ट में से जो कपड़ा बचा था ना, उसके दरमियान में ये जोड़ आ रहा था, और वैसे सिंपल तरीके से मैं सिलाई लगा देती तो इतनी इसकी अच्छी सजावट नहीं बननी थी। ये इस तरह से बाजुओं का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत बन गया। मैंने बीड्स लगा के इनको आपस में अटैच किया, और फ्रंट का थोड़ा सा मैंने स्लिट ओपन रखा है बाजू का। ये मैंने पाइपिंग की है दोनों साइडों पर, पाइपिंग करने के बाद ऊपर से मैंने इसको अटैच किया है। ये देखिएगा, मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको। जो मैंने बाजू का फैब्रिक लगाया ना, वो मैंने यहाँ तक लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको फैब्रिक लगाया है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से लेके ये बाजू सारा नीचे तक ओपन है। इसको सिर्फ बीड्स लगा के आपस में अटैच किया गया है, ये देखिएगा, और ये इसका स्लिट ओपन है, दोनों स्लिट एक जैसे ही है।